तब पिलातुस फिर बाहर निकल के लोगन से कहलन, देखा लोग, हम उनकरा के तुहन लोग के लगे फिर बाहर लिया वतानी, ताकि तुहन लोग जान ल जा कि उनकरा में हम कुछो दोष नहीं खे पावत। तब यीशु काटा के मुकुट और बैजनी कपड़ा पहिरले बाहर निकलन और पिलातुस उ लोग से कहलन, देखा लोग ई आदमी के। जब महायाजक और पियादा लोग उनकरा के देखल तो चिल्ला के कहलन, उनकरा के क्रूस पर चढ़ावा, उनकरा के क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस उ लोग से कहलन, तुहन लोग उनकरा के लेके क्रूस पर चढ़ावा जा, काहे कि हम उनकरा में दोष नहीं खी पावत। यहूदी लोग उनकरा के जवाब देलन, हमनियो के कानून बा और वो कानून के अनुसार उ मारे जाए के लायक बाड़न, काहे कि वो अपना के परमेश्वर के लयका बतावत आड़न। जब पिलातुस ई बात सुनला तो और भी डरा गइल और फिर किला के भीतर गइल और यीशु से कहलन, तो कहवा के हवा। पर यीशु उनकरा के कुछो जवाब ना देला। पिलातुस उनकरा से कहला, हमरा से काहे नहीं खे बोला, का तू नहीं खे जानत कि तुके छोड़ देबे का अधिकार हमरा पास बा और क्रूस पर चढ़ावे के भी अधिकार बा। यीशु जवाब दे, यदि तोहरा के ऊपर से ना देहल जाए तो तुके हमरा पे कुछो अधिकार ना होई। ऐसे जे हमरा के तोहरे हाथ में सौंपले बा ओकरा पाप जादे बा। ऐसे पिलातुस उनकरा के छोड़ देबे चाहलन, पर यहूदी सब चिल्ला चिल्ला के कहे लगलन, यदि तू ओकरा के छोड़ देबा तो तुहार भक्ति कैसर के ओरी नहीं खे, जे केहू अपना के राजा बनावेला उ कैसर के सामना करेला। ई सब बात सुन के पिलातुस यीशु के बाहर ले अइलन और ओ जगह पर एगो चबूतरा रहल जो इब्रानी में गुबत्ता कहाला और न्याय आसन पर बैठलन। ई फसह के तैयारी के दिन रहल, दोपहर के समय रहल। तब उ यहूदी लोगन से कहे लगलन, देखा लोग ये हवन तोहन लोग के राजा। जब पिलातुस देखलन कि कुछो नहीं खे बन पड़त बाकी यीशु के विरोध में हल्ला होखत जाता तो पानी लेके भीड़ के सामने अपन हाथ धोलन और कहलन, हम ई धर्मी के खून के निर्दोष बनी तोहलिए लोग जान। सब लोग जवाब देलन, इनकर खून हमनी पर और हमनी के बाल बच्चन पर पड़े। ए पर पिलातुस बरब्बा के उन्हनी खातिर छोड़ देलन और यीशु के चांबुक लगवा के सौंप देलन कि क्रूस पर चढ़ावल जाए।